कुश्ती संघ को लेकर ब्रजभूषण शरण सिंह और पहलवानों के बीच जारी दंगल में अब राहुल गांधी भी कूद पड़े हैं। आपको बता दें कि राहुल गांधी ने आज सुबह सुबह हरियाणा के झज्जर पहुंचकर पहलवानों से मुलाकात भी की है, जिसकी तस्वीरें भी लगातार सामने आ रही है। और इन तस्वीरों में राहुल गांधी छारा गांव में पद्मश्री लौटाने वाले बजरंग पूनिया समेत कई पहलवानों के साथ बातचीत करते हुए नजर आए। साथ ही आपको बता दें कि राहुल गांधी ने पहलवानों से मुलाकात की जो हरियाणा के झज्जर राहुल गांधी पहुंचे, और इस बीच ये मुलाकात बेहद खास रही। राहुल गांधी वीरेंद्र अखाड़ा में पहलवानों से बात की गई, और आपको बता दें वीरेंद्र अखाड़ा वही अखाड़ा है जहां से बजरंग पूनिया ने अपने कुश्ती की शुरुआत की थी। बजरंग पूनिया से भी राहुल गांधी की मुलाकात हुई है, ऐसे में उनसे बातचीत की गई है। उनकी जो मांग लंबे समय से जो नाराजगी वो लोग पहलवान जताते हुए नजर आ रहे हैं, उसके बारे में बातचीत की गई। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं सुबह की, जब राहुल गांधी झज्जर के छारा गांव पहुंचे। छारा गांव में वीरेंद्र अखाड़ा पहुंचकर बजरंग पूनिया, दीपक पूनिया और तमाम जो पहलवान है उनसे मुलाकात की, और इसके साथ ही उनसे बातचीत करते हुए भी राहुल गांधी नजर आए। एक अलग अंदाज में राहुल गांधी नजर आए हैं। पहलवानों की जो मुश्किलें हैं वो किस कदर बढ़ रही हैं उसको लेकर यहां पर उनके परेशानियों को हल्का करते हुए राहुल गांधी नजर आए। और ये तस्वीरें भी लगातार अब सोशल मीडिया पर भी तेजी से वायरल हो रही है, जहां राहुल गांधी हरियाणा के झज्जर पहुंचे, छारा गांव पहुंचे, जहां बजरंग पूनिया, दीपक पूनिया से भी मुलाकात की वीरेंद्र अखाड़ा पहुंचकर। और वीरेंद्र अखाड़ा ये वही अखाड़ा है जहां आपको बता दें कि दीपक पूनिया, बजरंग पूनिया की कुश्ती की शुरुआत हुई थी। तो भारतीय कुश्ती संघ के पूर्व अध्यक्ष ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ महिला पहलवान लगातार लंबे समय से धरना प्रदर्शन भी कर रही थी, अपनी नाराजगी, अपना विरोध दर्ज करा रही थी। उसके बाद की जो स्थिति परिस्थिति थी वो कहीं ना कहीं काफी बदलती हुई नजर आई थी, क्योंकि उनका कहना कि यौन शोषण के आरोपी के खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाए, सरकार इस पर अपना ध्यान केंद्रित करे। जब ब्रजभूषण के करीबी संजय सिंह को यहां पर फेडरेशन का अध्यक्ष बनाया गया था, तो उसके बाद आपको बता दें साक्षी मलिक ने संन्यास लेने का भी ऐलान कर दिया था। आज राहुल गांधी अचानक, पहले कुछ बताया था कि आ रहे हैं? कुछ नहीं बताया था, हम तो यहाँ प्रैक्टिस करने लग रहे थे एकदम से, आज धमके, हमने तो ये नहीं पता था कब आएंगे, कब कौन है। ये लगभग यहाँ 6:15 बजे पहुँच गए थे। क्या किया राहुल ने, क्या पूछा आप लोगों से, क्या क्या यहाँ एक्सरसाइज कैसी होती है? हमारे साथ एक्सरसाइज मिलके की, एक्सरसाइज की सारी उन्होंने अपने गेम के बारे में बताया हमारे को, और बड़ी खुशी हुई उनको, तो बहुत जानकारियाँ हैं वो खेल के बारे में, जो जुजुत्सु वगैरह जो खेलते हैं उनकी ब्लैक बेल्ट होल्डर हैं, उन्होंने हमारे साथ होल्ड कर करके दिखाया, बड़ा बढ़िया लगा। तो कुश्ती के जोर भी किए, कुश्ती के जोर भी किए, टेक्निक भी सीखी, पॉइंट भी कैसे लिए जाते हैं, कैसे होते हैं। अखाड़े में क्या क्या किया राहुल गांधी? देखो हमारा जो रूटीन होता ना रेसलिंग का, वो देखने के लिए आए हैं। तो कोई खास बात हुई पहलवानों से? वो बिल्कुल उनके माइक में, उनके चैनल पे या वो वीडियो बनाए थे उन्होंने, हाँ कुश्ती की उन्होंने, एक्सरसाइज की बिल्कुल, आपके साथ किया, मेरे साथ ही कर रहे थे। तो क्या खास देखने आए थे वो, जो आप लोगों के? वो ये देखने आए थे कि भाई जो एक खिलाड़ी होता है उनका जीवन कैसे होता है, रेसलिंग का जीवन कैसे होता है, तो वो देखने के लिए आए थे। तो देखिए यहाँ पर लगातार पहलवानों की तरफ से रिएक्शन सामने आया। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी जब उनसे मुलाकात करने के लिए पहुंचे तो उन्होंने कई चीज़ों को लेकर बात की, उन्होंने वो दर्द भी यहाँ पर साझा करने की कोशिश की गई जो लगातार पहलवानों की तरफ से लंबे समय से ये जो परेशानी यहाँ पर बताई जा रही थी, और ऐसे में उनकी तरफ से आश्वासन भी दिया गया है। साथ ही भारतीय कुश्ती संघ के पूर्व अध्यक्ष ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ महिला पहलवान लगातार एक्शन लेने की मांग कर रहे थे, क्योंकि महिला पहलवानों का कहना था कि यौन शोषण के जो आरोपी है उसके खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाना चाहिए, एक बड़ी कार्रवाई यहां पर होना चाहिए। और हाल फिलहाल में कुछ तस्वीरें ऐसी भी सामने आई थी जहां फेडरेशन का चुनाव हुआ था, और फेडरेशन के चुनाव में बीजेपी के सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह के जो करीबी है संजय सिंह, उन्हें अध्यक्ष चुन लिया गया था, जिसके बाद जो पहलवानों का गुस्सा है वो कुछ इस कदर फूटा कि साक्षी मलिक ने संन्यास लेने तक का ऐलान कर दिया। बजरंग पूनिया का अगर जिक्र किया जाए तो बजरंग पूनिया ने अपने अवार्ड प्रधानमंत्री आवास के बाहर जो सड़क है वहां पर रख दिए थे। इसके बाद अगर कल की तस्वीर का जिक्र किया जाए तो कल विनेश फोगाट की तरफ से भी यहां पर जो अवार्ड है अर्जुन अवार्ड वो भी वापस देने की यहां पर बात की है, एक बड़ा ऐलान करते हुए नजर आए। खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता दीपक चौबे हमारे साथ लाइव बने हुए हैं। दीपक, चूंकि देखिए कुश्ती संघ में अब चूंकि कई तरह के उतार चढ़ाव देखने को मिले, पहलवानों की जो मुश्किलें परेशानी है वो किस कदर बढ़ी उसकी वानगी भी देखने को मिली, लेकिन इस बीच राहुल गांधी की मौजूदगी हरियाणा के झज्जर और वीरेंद्र अखाड़ा में क्या तस्वीरें सामने आ पाई, किस तरह का अनुभव पहलवानों का रहा और क्या कुछ खास बात हुई? बिल्कुल देखिए
एक तरीके से कहा जाए कि जहां से बजरंग पुनिया या दीपक पुनिया ने शुरुआत की थी, उस अखाड़े पर खुद राहुल गांधी पहुंचे वहां पर और उन्होंने मुलाकात की। हालांकि अगर इससे पहले अगर बात की जाए तो प्रियंका गांधी साक्षी मलिक के घर गई थी और उन्होंने कहा कि हम आपके साथ हैं। तो कहीं ना कहीं एक राजनीतिक तौर पर भी इसको देखा जाता है, जिस तरीके से बिजभूषण शरण सिंह का जो संजय सिंह जीत करके आए थे उसके बाद उन्होंने कहा था कि दबदबा है, दबदबा कायम रहेगा। उसके बाद लगातार देखिए उसके एक दिन बाद ही जो कुश्ती संघ है उसको निलंबित कर दिया जाता है। खेल मंत्रालय की तरफ से एक ऑर्डर आता है कि जो कुश्ती संघ जो नया बनाया गया उसको निलंबित कर दिया जाता है। तो एक तरीके से बिजभूषण शरण सिंह को एक कहीं ना कहीं धक्का तो लगता है। उसके बाद लगातार जो कार्रवाई की मांग को लेकर जो पहलवान है, याद होगा कि पूरा देश ने देखा था कि जब साक्षी मलिक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही थी प्रेस क्लब ऑफ इंडिया में, तो वो रोती हुई बाहर निकली और उसके बाद कहीं ना कहीं एक जो मैसेज था, और जाहिर सी बात है कि जो देशवासियों को एक मैसेज था कि हमारे देश के जो खिलाड़ी हैं जिन्होंने हमारा नाम रोशन किया है वो रोते हुए निकल कर आ रहे। उसके बाद लगातार जो है सियासत तेज हो गई थी। उसके बाद बिजभूषण शरण सिंह जाते हैं, जेपी नड्डा से मुलाकात करते हैं, हालांकि उन्होंने गृह मंत्री से भी टाइम मांगा पर वो टाइम नहीं मिलता है। उसके बाद लगातार अगर कहीं ना कहीं देखा जाए तो जो विपक्ष है वो एक तरीके से अगर कहा जाए कि वो लगातार जो खिलाड़ियां हैं उनसे वो मुलाकात करा और कह रहा है कि जो आपके साथ हुआ है गलत हुआ है, कार्रवाई होनी चाहिए। आखिर कार्रवाई कब होगी वो तो देखने वाली बात होगा, क्योंकि मामला पूरा कोर्ट में है, कोर्ट लगातार अपनी तारीख दे रहा है, सुनवाई भी कर रहा है, तो थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। हालांकि जब सुबह 6 बजे राहुल गांधी बिना बताए पहुंच गए तो जाहिर सी बात है खिलाड़ियों में भी एक कहीं ना कहीं ऊर्जा होती है कि हमारे साथ कोई तो खड़ा है। जिस तरीके से लगातार अगर बात की जाए तो पिछली बार किसान जो नेता थे वो साथ में खड़े थे, इस बार राहुल गांधी खुद ही पहुंच जाते हैं वहां पर, मुलाकात करते हैं, यहां तक कि कुश्ती में जाके थोड़ा जोर आजमाइश भी करते हैं, टेक्निक सीखते हैं। तो कहीं ना कहीं आने वाले दिनों में क्योंकि लोकसभा चुनाव है तो जाहिर सी बात है इसका फायदा अगर कांग्रेस बिल्कुल दीपक जाहिर सी बात है कि विपक्ष कहीं ना कहीं से मुद्दा बनाने की कोशिश करेगी, और न सिर्फ मुद्दा बल्कि कांग्रेस को एक यहां पर किस तरह से पहलवानों के दर्द को यहां पर समझा जा सकता है, उसे साझा किया जा सकता है, उसकी वानगी भी कहीं ना कहीं हरियाणा के झज्जर में इस वक्त देखने को मिली, जहां छारा गांव में राहुल गांधी की मौजूदगी देखने को मिल पाई। बने रहिए दीपक चौबे आप हमारे साथ, आगे और भी खबरें जिन पर आपसे अपडेट लेंगे।